जो कैंसर है वो सबको अंदर होता है, हम सबको अंदर कैंसर के सेल्स बनते हैं रोज़, और हम सबके अंदर कैंसर से लड़ने वाली शक्ति उन्हें ख़त्म कर देती है। मैं इस बात को इस तरीके से मानता हूँ कि ये कैंसर जो बीमारी है ये डॉक्टरों का इम्तिहान है, मरीज़ का इम्तिहान नहीं है। कैंसर बोर्ड बैठ के तय करता है कि कैंसर में क्या ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो बोर्ड होता है उसमें तीन रंग के, जैसे ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है। तो ये पता करना पड़ता है कि भाई इस स्टेज पे पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे। जो मैक्सिमम लोग दुनिया में गरीब होते हैं, यानी रईस थे गरीब हो गए कैंसर से, होते हैं कि भाई पेशेंट्स को सही राय दे दीजिए, कम से कम उनको जब वो ठीक हो जाएं तो ये बता दीजिए कि भाई फुल स्टॉप जो है वो हमने नहीं लगाया, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी है जो आपके इलाज के बाद फुल स्टॉप लगा सकती है कैंसर में। कैंसर की बीमारी के बारे में मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, ये टॉपिक मेरा पिछले 35 साल से मेरे दिल में चलता रहता है। जब मैं हाई स्कूल में था तब से मेरे अंदर कैंसर के ऊपर काम करने की इच्छा रही, और वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी ख़ानदान में कि जिससे कि मुझे बहुत कैंसर से तकलीफ़ थी। तो वो 35 साल का जो एक पूरा खमीर है वो कुछ मिनटों में बताना बड़ा मुश्किल होता है। हमेशा यही तो कोशिश रहती है मेरी कि मैं कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें बता सकूं कि ये बीमारी जो है वो है क्या, इतनी भयानक रूप क्यों धारण कर लेती है, और इसमें निजात कैसे पाई जाए। तीन चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समझना। तो पहला जो पहलू होता है हमेशा ये होता है कि कैंसर है क्या, लोग कैंसर से इतना भयभीत क्यों होते हैं, और बीमारी का क्या मकसद, ऐसी क्या बीमारी है कि ये इतनी परेशान कर देती है सबको। तो काम सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए, यहाँ से शुरू करते हैं आज का अपना बात करने का अंदाज़, कि जो कैंसर है वो सबको अंदर होता है, हम सबको अंदर कैंसर के सेल्स बनते हैं रोज़, और हम सबके अंदर कैंसर से लड़ने वाली शक्ति उन्हें ख़त्म कर देती है। इस शक्ति का तालमेल का ख़त्म हो जाने से कैंसर होता है। अगर समझ में दर्शकों की नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ कि हमारे शरीर में रोज़ नए सेल बनते हैं, मिलियंस में बनते हैं, और हमारा जो जीवन है वो सेल्स के बनने के आधार पर ही चलता है। नए सेल्स का बनना और नए पुराने सेल्स का ख़त्म हो जाना, ये क्रिया हमारी माँ के पेट से शुरू होत के और हमारे मौत तक जाती है, ये क्रिया चलती रहती है। जैसे कि जब हमने पहले समझा ही है, पहले भी मैंने बोला है कि जब हमारा वजूद होता है पेट के अंदर माँ के अपनी, तो माँ को भी पता नहीं होता कि हम अंदर गए हैं, जिस्म में हैं। तो वो एक सेल बाप का और एक माँ के मिलने से बच्चा पैदा होता है। पैदाइश के वक्त बच्चे का वज़न 3 किलो होता है, तो सेल्स कितनी बार मल्टीप्लाई किए होंगे इससे अंदाज़ा लगाइए आप, कि वो इनविजिबल पार्टिकुलेट मैटर जो था, इनविजिबल अमाउंट था, जिसका वेट भी नहीं था, स्ट्रक्चर भी नहीं था, साइज़ भी नहीं था, कोई देख भी नहीं सकता था उसको, वो 3 किलो का हो गया। तो सेल्स मल्टीप्लिकेशन से ही तो हुआ। अब सेल्स के मल्टीप्लिकेशंस में जो है वो एक तरीके की, कुछ सेल्स ख़राब पैदा होने की क्षमता रखते हैं, कुछ ख़राब भी पैदा हो रहे हैं। इसके लिए भी हमारे शरीर में भगवान ने सिस्टम रखा है स्कैवेंजिंग मैकेनिज्म का। जैसे कि इस समझ लीजिए, स्कैवेंजिंग को कहते हैं सफाई करना, साफ़ कर देना सामान को। तो वो इम्यून सिस्टम उसको पहचानता रहता है ख़राब सेल्स को और उन्हें खाता रहता है। अब अगर कभी कोई ख़राब सेल बना और इम्यून सिस्टम ने उसे ना पहचाना और वो सेल अपने हिसाब से पैदा होना लगा, जो सिस्टम के विपरीत चला गया, उसे कैंसर कहते हैं। तो कैंसर में जो देरी होती है पैदा होने की, वो जब तक जिस्म की चीज़ों को ख़राब नहीं करने लगे दबाव के कारण, ख़ास तौर से दबाव के कारण ख़राब करता है, तब तक कैंसर का पता नहीं होता। तो कैंसर अक्सर पाया जाता है कि साहब लेट पता होता है। लेट से मुराद ये है कि वो स्टेज 4 में चला जाता है। स्टेज 4 का मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया शरीर में। तो ये कैंसर की परिभाषा है कि कैंसर क्या होता है। इसके कारण बहुत से हैं, कारणों में बहुत कारण हैं। भोजन जैसे पहले बताया वो भी है, व्यायाम भी है,
एनवायरनमेंट भी है, किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, और सोशल सर्किल भी है, हम सोशलाइज कैसे कर रहे हैं, हमारे कितने पार्टनर्स हैं ज़िंदगी में, हम कितने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स किस किस से किस किस तरीके के हैं, उन सब चीज़ों पे कैंसर पूरी परिभाषा रखी जाती है कैंसर की। कुछ इन्फेक्शन्स होते हैं जिनसे कैंसर ज़्यादा होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया तो लीवर कैंसर होगा, या कोई वायरल इन्फेक्शन होता है जो औरतों का कैंसर करता है, मर्दों में भी वो कैंसर करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, HPV इन्फेक्शन होता है, सर्वाइकल कैंसर करता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। मुख्तसर सबसे सिंपल बात यह है, एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, सब जानते हैं बेथेस्डा में, वो एक साहब बहुत ही बड़े सीनियर साइंटिस्ट थे, वो रिटायर हुए, तो उनसे पूछा भाई कि आप प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा भाई कैंसर की क्या परिभाषा है, ये कैंसर किन लोगों को हो जाता है, तो उन्होंने बड़ा अटपटा सा जवाब दिया जो साइंस की वर्ल्ड में सबने उनको उस पर सराहा नहीं, उनसे कहा कि भाई ये जवाब बड़ा अजीब सा है, लेकिन वो उस पर कायम रहे, बोले लक का ख़राब होना, कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं अनलकी होना। मैं इस बात को इस तरीके से मानता हूँ कि ये कैंसर जो बीमारी है ये डॉक्टरों का इम्तिहान है, मरीज़ का इम्तिहान नहीं है। मरीज़ तो मरीज़ है, हमने पढ़ाई की थी मरीज़ को ठीक करने की, हम अपनी पढ़ाई को उसके हिसाब से इस्तेमाल करें कि वो मरीज़ को ठीक करें, तो ये इम्तिहान मरीज़ का नहीं है, ये तबीब का इम्तिहान है। तबीब बोलते हैं जो इलाज करने वाला होता है, हकीम, डॉक्टर, वैद्य, हम सब का इम्तिहान है, ये मरीज़ का इम्तिहान नहीं है। मरीज़ को तो एक बीमारी दी है, मरीज़ तो डॉक्टर के पास आया ठीक कराने के लिए। असल में कैंसर का जो प्रॉब्लम है एक ये भी है कि डायग्नोसिस कब हो। अब जैसे लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर में अमूमन TB की इलाज शुरू कर देते हैं लोग, कैंसर मालूम होता है 2 महीने बाद के नहीं TB तो नहीं थी, ये तो कैंसर था। लंग कैंसर में इंडिया में बहुत कॉमनली पाया जाता है कि डायग्नोसिस में 2 महीने का गैप आ जाता है यूजुअली। ये कहना भी गलत है कि हर आदमी जिसको TB है वो पहले ये भी पता करे कि मुझे कैंसर तो नहीं है, तो ये डॉक्टर की जो है कैपेबिलिटीज़ पे और जांचों की बिना पे हम तय कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे कि कैंसर है कि नहीं है। क्योंकि जब कैंसर होता है तो जितना जल्दी कैंसर का इलाज हो उतना ही अच्छा होता है। कैंसर में 2-3 किस्म की जांचें होती हैं, एक तो डॉक्टर से बात करना, डॉक्टर को पता हो हिस्ट्री क्या है डिजीज़ की, और दूसरा होता है डॉक्टर का एग्जामिनेशन, उसने एग्ज़ाम किया मरीज़ का, एग्जामिनेशन मीन्स उसने अब मरीज़ को देखा फिज़िकली, तो वो डॉक्टर्स देखते हैं फिज़िकली, जैसे गांठ है वो गांठ की कैसी शक्ल है, अगर बाहर जिस्म के निकली हुई है, जिस्म के अंदर है तो क्या चीज़ है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे इंटेस्टिन का कैंसर है तो उसमें ब्लड लॉस होगा तो स्टूल का कलर बदल जाएगा, ब्लैक स्टूल आने लगेगा, या कभी कभी ब्लैक स्टूल आ गया या रेडिश हो गया, कभी यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब में कभी लाली आ जाएगी, इस तरीके से होगा। और फूड पाइप का कैंसर है तो खाना जो है, खाना खाते में पानी पीने की ज़रूरत पड़ने लगेगी खाने को नीचे पचाने के लिए। तो ये अर्ली साइंस होते हैं जो जिसपे इंसान को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि यार मैं अपनी जाँच करा लूँ, या खांसी चलती रहे, खांसी ठीक नहीं हो रही है, या वज़न गिरना शुरू हो गया वो भी एक होता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगी, थकावट बहुत सर, ये सब लोगों को जांच करेंगे तो 100 में 2 ही लोगों को कैंसर निकलेगा, 98 को नहीं निकलेगा। बहुत से रीजंस और भी होते हैं कैंसर नहीं होता है, ये भी है। तो जो कैंसर के डॉक्टर जांच कराते हैं जब कैंसर मालूम हो जाए तो उसमें आज की तारीख में एक तो बायोप्सी ज़रूरी है। बायोप्सी होती है कि हमने उस जगह के पीस को निकाल के माइक्रोस्कोप में जांच करी, बायोप्सी ज़रूर कराना चाहिए। बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है, जनरल धारणा यह है कि यार कैंसर को छूओगे तो बहुत फैल जाएगा, लेकिन छूना क्या, वो तो मजबूरी है, जांच तो करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर तो पता चलेगा नहीं। और दूसरी जाँच जो आज की तारीख में अच्छी है बायोप्सी के बाद में, वो PET CT स्कैन होता है। PET CT स्कैन से ऐसी होता है जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है कलर, तो ये स्कैन होता है CT का जो कलर देता है कैंसर के सेल्स को,
और कैंसर जो है वो आप जल्दी पकड़ सकते हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ है जिस्म में, एक ही जगह है, दो तीन जगह है, किस किस इंटेंसिटी का है, बहुत तेज़ पैदा हो रहा है या स्लो ग्रोइंग है, काफ़ी हद तक ये बता देता है। तीसरा होता है कि अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफाइन किया जाए। तो जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं वो यूजुअली एक कमेटी बना के ट्रीटमेंट करते हैं, इसको कहते हैं हम कैंसर बोर्ड। बड़े कैंसर के अस्पतालों में होता है कि कैंसर बोर्ड बैठ के तय करता है कि कैंसर में क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो वो बोर्ड होता है, उसमें तीन रंग के जैसे ट्रीटमेंट हैं, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है। तो ये पता करना पड़ता है कि भाई इस स्टेज पे पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे। और ये बोर्ड भी डिटरमिन करता है कि कैंसर में अब इसका ट्रीटमेंट का लक्ष्य क्या होगा, ट्रीटमेंट हमें कहाँ तक बेनिफिट करेगा, ये भी मरीज़ को बताया जाता है, उसकी फैमिली को बताया जाता है कि भाई हम ये कर सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उस वक्त ये भी डिटरमिन हो जाना चाहिए कि कितना पैसा खर्च होगा हमारा, क्या हम इस पैसे को खर्च करने के लिए जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं क्या वो उस पैसे से मिल रहे हैं, या हम सब कुछ अपना दांव पे लगा देंगे और रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कैंसर में जो मैक्सिमम लोग दुनिया में गरीब होते हैं, यानी रईस थे गरीब हो गए कैंसर से होते हैं, सब कुछ लूट जाता है। इस धारणा पे कि ठीक हो जाएंगे आदमी लुटाता रहता है, और डॉक्टर का नहीं बताना, ये कहना कि तुम ये कर लो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो 3 महीने की ज़िंदगी है, तुम ये कर लो तो 3 साल की है, ये बिल्कुल गलत राय है। मैं समझता हूँ डॉक्टर को कभी भी ऐसी राय नहीं देना चाहिए कि अगर तुम इलाज करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी 3 साल की हो सकती है, तुम नहीं करोगे तो 6 महीने की होगी। तो हर आदमी क्या करेगा, ये तो कहेगा मैं इलाज करूँगा, कौन कहेगा कि भाई 6 महीने में मर जाएं। कभी कभी ये होता है कि वो डॉक्टर साहब ने एग्जैक्टली सही बोला, कभी कभी बिल्कुल गलत बोलते हैं, 6 महीने में ही मर गए, सब कुछ इलाज किया लेकिन 3 साल की ज़िंदगी सोच के कह रहा था, इसलिए 3 महीने 6 महीने में ख़त्म हो गए, इलाज भी किया फिर भी 6 महीने मिले। तो मैं तो सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, मरीज़ को ख़ुद भी समझना चाहिए, उसके घर वालों को, कि पढ़ के आजकल सब चीज़ें अवेलेबल हैं, पढ़ाई अवेलेबल है, कोई अपना जानकार डॉक्टर है जो फैमिली फिजिशियन है उससे राय लेना चाहिए। और क्योंकि अगर डॉक्टर्स के पास सब चीज़ का इलाज होता तो डॉक्टर आपको 200-200 साल के मिलते, ये डॉक्टर साहब हैं ये सन 1800 में पैदा हुए थे आज भी ज़िंदा हैं, ये 1900 के शुरू में पैदा हुए थे आज भी ज़िंदा हैं साहब 117 साल के बैठे हुए। तो कोई डॉक्टर भी जब नहीं, डॉक्टर भी उसी ज़िंदगी को लेके आए हैं जो नॉर्मल दूसरा ज़िंदगी को लेके आया है, तो डॉक्टर से ये पूछना बड़ा गलत होता है, और डॉक्टर का ही बताना बड़ा गलत होता है कि भाई कब तक तुम ज़िंदा रहोगे, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो फिर पैसा अंधाधुंध खर्च करना ये एक गलत तरीका है, और एक तरीके से ये समझिए कि ये हॉस्पिटल्स को क्लैरिटी से बताना चाहिए कि तुम अगर पैसा बचा सकते हो तो क्या तरीका है पैसा बचाने का, कैसा इलाज कर सकते हो, उस वक्त क्या होगा। हमेशा मैं बाहर की तुलना करता हूँ और आप सब बुरा मानते हैं कि बाहर के बारे में कहा, लेकिन मैं बताऊँ आपको, कुछ मुल्कों में ऐसा होता है कि कंप्यूटराइजेशन है सारा सिस्टम्स में, हॉस्पिटल्स में। एक हॉस्पिटल ने कहा कि अब कीमो नहीं देंगे, अब कीमो से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा मरीज़, तो उसको वही इन्फॉर्मेशन दूसरा हॉस्पिटल भी देगा, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, या एक ग्रुप का हो या दूसरे ग्रुप का हो, एक बिज़नेस हाउस का हो या दूसरे बिज़नेस हाउस का हो, राय एक ही सी रहेगी मोर और लेस। यहाँ पर क्या है, एक बिज़नेस हाउस है उसका एक हॉस्पिटल ग्रुप का है, उसने कहा कि अगर मैं ये कह दूँगा कि भाई तुम्हारा इलाज अब हम नहीं करेंगे तो वो दूसरे बिज़नेस हाउस में जाके इलाज शुरू कर देगा, तो क्यों ना हम इलाज करते रहें। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में टिल द टाइम ऑफ डेथ पीपल आर बीइंग ट्रीटेड विद कन्वेंशनल ऑन्कोलॉजी। बाहर के मुल्कों में ये है कि अगर ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो पेशेंट को ऑप्शन दिया जाए कि एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट प्लान्स भी हैं जो या तो इंस्टीट्यूशन की मदद से हैं या गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हैं,
तुम उसमें पार्टिसिपेट कर लो, शायद उसमें तुम्हारे बचने का रास्ता बन जाए। वो सिस्टम हमारे मुल्क में बहुत लैक करता है। हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट प्लान्स में लेकर तो आते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट को क्लैरिटी बहुत कम दे पाते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कभी कभी फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, कभी ट्रायल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट पे भी देते हैं, लेकिन पेशेंट को बेचारे को कुछ पता नहीं होता है, उसकी क्लैरिटी उसके अंदर नहीं आती है उसे कि वो उसके लिए हो क्या रहा है। खैर, तो ये कंसेंसस होना चाहिए कि हम इस इलाज को कर रहे हैं तो इस इलाज में हमें कितने पैसे खर्च होंगे और हमें इसमें क्या हासिल होगा। मोर और लेस 80-85% तक तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉवर्टी लाइन पे नीचे चले जाना कैंसर एक कॉज है बहुत बड़ा। हमने इस सिनेरियो को पूरा चेंज करने की डेंड्राइटिक सेल थेरेपी के जरिए से कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन हम एक ड्रॉप इन द ओशियन है, अंग्रेजी में कहावत है ड्रॉप इन द ओशियन, जो नज़र भी नहीं आता, नज़र आने का सवाल ही नहीं है। हमारा वजूद ही क्या है, हिंदुस्तान में तो 6000 ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे, कम से कम 600 कैंसर के अस्पताल होंगे, हम उस एक में भी नहीं बैठे हुए, हम तो एक क्लिनिक में बैठे हुए हैं, 4 क्लिनिक चला रहे हैं, तो हमारा वजूद ना के बराबर है। तो हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इसको बढ़ाएं इस पैमाने को, लेकिन क्या है, अकेला चना भाड़ थोड़ी फोड़ता है, लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हम तो डॉक्टर्स से कहते कहते थक गए, ऑन्कोलॉजिस्ट को समझाते समझाते थक गए कि भाई पेशेंट्स को सही राय दे दीजिए, कम से कम उनको जब वो ठीक हो जाएं तो ये बता दीजिए कि भाई फुल स्टॉप जो है वो हमने नहीं लगाया, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी है जो आपके इलाज के बाद फुल स्टॉप लगा सकती है कैंसर में। हम ये नहीं कह रहे लगा देगी, लगा सकती है, कम से कम मरीज को ऑप्शन तो मिलना चाहिए, उसको पता तो हो ये बात कि कोई उसको ये सुझाव तो दे। वो बेचारा जब खुद ढूंढता है हमें तो वो तो कगार पे आ चुका है, वो तो तकरीबन अपने फासले को ख़त्म कर रहा है ज़िंदगी के, उस वक्त उसने ढूंढा है। तो ये जो सिलसिला है ना, ये कंसेंसस का, कंसेंसस एक इकट्ठा होकर कहना, मैं आज भी आपके माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से अपील करता हूँ ऑन्कोलॉजिस्ट को कि उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना ट्रीटमेंट पूरा करें, उस ट्रीटमेंट के बाद में जब पेशेंट से वो फाइनल गुड बाई कह रहे हैं कि तुम 6 महीने के बाद आके जांच कराना या साल भर बाद आके जांच कराना, तो ये कहें कि भाई एक इम्यून सिस्टम का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी है जो तुम ले सकते हो। अब वो खाली ये सोचेंगे कि बड़ी कंपनी करेगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करेगी, तो वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होगा, क्योंकि सेल थेरेपी कस्टमाइज प्रोटोकॉल है, मरीज़ के खून से निकाल के बनाया जाता है, उसी को लगाया जाता है जिसका खून निकाल रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री के बस से बाहर बात है, वो होगा नहीं। उसको तो या तो जमाल खां करेंगे या जमाल खां के और क्लोन्स जमाल खां पैदा हो जाएं वो करेंगे, या जो इस किस्म के काम और करने वाले हैं तो वो करेंगे, या सरकार की मदद हो।